चंद्रयान की सफल लैंडिंग का श्रेय जवाहरलाल नेहरू जी को देंगे? हमारे वैज्ञानिकों की सफलता है, वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत की है, और जरूर राजनीति का ये है कि जो सरकार होती है उसको, उसकी सरकार में जो काम होगा उसको श्रेय जाएगा, स्वाभाविक बात है उसमें। ये जमीनी स्तर में खड़े होकर दिन भर यहाँ भीख मांग के खाते हैं और नरेंद्र मोदी का प्रचार करते हैं, इनकी उम्र देखिए। 100% खुश हैं, उसमें दुखी क्या बात है, हमारे देश का गौरव बढ़ा है। राजनेताओं का काम ही है, अगर राजनेता ऐसे नहीं करेंगे तो फिर मोदी जी का कैसे सेट बढ़ेगा। हम किसी चीज़ को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, नेहरू जी ने भी किया, इंदिरा जी ने भी किया, मोदी जी कर रहे हैं। उनकी अगर उनका सहयोग ना होता तो चंद्रयान साउथ पोल पे जा ही नहीं सकता। मतलब चंद्रयान जो असफल हुआ था उसमें वैज्ञानिकों का मनोबल मोदी जी ने बढ़ाया, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आदमी कोई काम करता है अगर असफल हो गया और चार लोग उसको उत्साहित करते हैं तो उसका मनोबल बढ़ता है। मेरा भारत महान, क्योंकि भारत ने जीत लिया है चांद। जी हाँ, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग भारत जो है वो चांद पर करा चुका है, जिसके बाद पूरा देश जो है काफी उत्साहित नजर आया और सभी ने देश भर में शुभकामनाएं दी। वहीं पूरी दुनिया की नजरें जो है वो चांद पर, चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर टिकी हुई थी, क्योंकि भारत ऐसा देश बन गया है जो साउथ पोल पर लैंड कर पाया है सफल तरीके से। वहीं अगर बात करी जाए तो भारत ने जब चंद्रयान 3 भेजा था तो रूस भी एकदम से जागा और 47 साल बाद उसने लूना 25 को लॉन्च कर दिया कि भारत से पहले वो चांद पर पहुंच जाए, वो भी साउथ पोल पर। हालांकि चांद पर जो है अमेरिका, रूस और चाइना पहले ही पहुंच चुके हैं, लेकिन भारत ऐसा पहला देश बन गया है जो साउथ पोल पर चांद के पहुंचा है। लेकिन वो इसके बाद, इस सफल लैंडिंग के बाद जो बात करी जाए तो राजनीतिक समीकरण भी बहुत देखने को मिल रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो क्या इस सफल लैंडिंग की वजह से राजनीति में कोई बदलाव होगा? आइए जनता की राय जानते हैं इस पर। चांद की सफल लैंडिंग हुई है, चांद पर भारत ने चांद पर सफल लैंडिंग करवाई है, इसका क्या राजनीति में कोई असर पड़ेगा? नहीं, राजनीति से क्या मतलब है इसका भाई, ये तो देश 2024 चुनाव आने वाला है। ये गलत है, ऐसा इसका कोई असर नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों की सफलता है, वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत की है, और जरूर राजनीति का ये है कि जो सरकार होती है उसको, उसकी सरकार में जो काम होगा उसको श्रेय जाएगा, स्वाभाविक बात है उसमें। आप इसका श्रेय किसको देते हैं? हम इसका श्रेय सरकार को भी देंगे और वैज्ञानिकों को भी देंगे, दोनों के समन्वय से यह काम हुआ है। यदि सरकार की निष्ठा न होती, सरकार अच्छी न होती, सपोर्ट न कर रही होती तो वैज्ञानिक हमारे ऐसा काम नहीं कर पाते, दोनों का श्रेय है। आप चंद्रयान की सफल लैंडिंग का श्रेय किसको देंगे? वैज्ञानिकों को देंगे। और कहा जा रहा है कि पीएम मोदी को जनता श्रेय दे रही है, जैसे माने भाई साहब ने कहा तो श्रेय दोनों को जाता है। जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, तो उन्होंने इसरो को जब इससे पहले विफल हुआ था तो उन्होंने उनको जाकर के ढढ़ास बताया था। इस बार उन्होंने, उनका वीडियो भी आपने देखा होगा कि उन्होंने डायरेक्ट उनको फ़ोन करके बधाई दिया है और उनसे जल्द मिलने के लिए भी कहा है, तो इसलिए दोनों का श्रेय जाता है, उन दोनों के कंपनी से हुआ है समन्वय से। भारत पहला ऐसा देश बना है जो चांद के साउथ पोल पर लैंड हुआ है सफल तरीके से, तो इसका श्रेय आप, जैसे कहा जाए कि पूरे देश, दुनिया की जो नज़रें हैं वो भारत पर टिकी हुई थी, आप कितने खुश हैं? 100% खुश हैं, उसमें दुखी क्या बात है, हमारे देश का गौरव बढ़ा है तो हम जाहिर सी बात खुश रहेंगे, ये तो स्वाभाविक है, तो कोई पूछने का कोई विषय नहीं है। 2024 से चुनाव है, 2024 में चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव, और इसको लेकर अगर देखा जाए तो राजनेताओं के जो चंद्रयान को लेकर बयान आए हैं, कोई पृथ्वी पर ही लैंड कराए दे रहा है। राजनेताओं का काम ही है, अगर राजनेता ऐसे नहीं करेंगे तो फिर मोदी जी का कैसे सेट बढ़ेगा। लेकिन हाँ, जनता जो है वो राजनेता को इसलिए चुनती है ताकि देश आगे बढ़ सके, और राजनेता को चंद्रयान के बारे में पता ही नहीं। जनता पहले ही से लोगों को निग्लेक्ट कर दिया है, आपने देखा भी होगा कई चैनलों के माध्यम से भी, जनता सब जानती है और जनता जो जानती है वो करेगी 2024 में। आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? वैज्ञानिकों को, प्रधानमंत्री मोदी जी, दोनों लोगों को। बिल्कुल, बात करी जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो ये कहा है कि राकेश रोशन जो है चंद्रयान पर पहुंचे थे। राकेश रोशन उन्होंने बोला? नहीं नहीं भाई, गलत है, मुझे तो, मेरी जानकारी राकेश शर्मा है, राकेश रोशन तो जानकारी राकेश शर्मा है, लेकिन ममता बनर्जी कहना है कि राकेश रोशन सकता भाई, उन्हें रात में सपने में आ गए राकेश रोशन जी, तो भाई उनको राजभर ने तो पृथ्वी पर ही लैंडिंग करा दी। अरे ये पागल आदमी, अरे मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? वैज्ञानिकों को देना चाहेंगे, लेकिन जनता जो है वो कह रही है कि पीएम मोदी ना होते तो ये कभी भी पॉसिबल ना हो। देखिए मैडम, जो भी देश में लीडर रहता है, क्रेडिट डिसक्रेडिट उसी को मिलता है, तो क्रेडिट भी उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो देश सरकार की अगुवाई कर रहे हैं, तो उनका तो भाई कुछ। कांग्रेस का कहना है कि ये नेहरू जी की वजह से पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि 70 साल पहले उन्होंने ही इस चीज़ की शुरुआत की। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन मोदी जी के काल में बहुत चीज़ें आगे बढ़ी हैं, वो भी देखना पड़ेगा। हम किसी चीज़ को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, नेहरू जी ने भी किया, इंदिरा जी ने भी किया, मोदी जी कर रहे हैं।
उनकी अगर उनका सहयोग ना होता तो चंद्रयान साउथ पोल पे जा ही नहीं सकता था। तो राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा इसको, 2024 लोकसभा चुनाव में भुनाया जाएगा इस मुद्दे को कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कोई खास असर नहीं पड़ना है, क्योंकि मोदी जी वैसे ही जीत जाएंगे, उनको ये चंद्रयान की जरूरत नहीं है, और जीत रहे 2024 में वो आ रहे हैं वापस। लेकिन उनके एनडीए गठबंधन की अगर बात करी जाए तो राजभर जैसे लोग वहां पर शामिल हो गए हैं, और उनका ये बयान सामने आ रहा है कि चंद्रयान की सफल लैंडिंग पृथ्वी पर हुई है, क्या कहेंगे? मैडम वो माननीय है, नेता हैं, मंत्री रहे, ऐसे लोगों को माननीय बना दे जिनको पता ही नहीं है। नहीं, फिर भी माननीय बोले, किसी की मतलब लैक ऑफ नॉलेज है या टंग स्लिप कर गई है तो मैं इतना ज्यादा बुरा नहीं लिया। हाँ, उनको अपना दोबारा से अपना वक्तव्य देना, समाज की जातियों के लोगों को लेकर कई जातियां वो गिना देते हैं राजभर जो हैं, और उसके बाद जब उनसे किसी बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक निजी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया जिस दौरान उन्होंने ये बात कही कि चंद्रयान की पृथ्वी पर लैंडिंग हुई है सफल और देशवासी खुश होंगे। नहीं, देशवासी तो खुश है, लेकिन जो लैंड किया है वो साउथ पोल मून पे किया है, और उनकी समझ जितनी है वो अपनी समझ से बोलते हैं। ठीक है, पार्टी आती जाती रहती है, लेकिन जो भी वोट मिल रहा है आज की डेट में एनडीए को, उसमें मोदी जी का ही मेन रोल है, उनकी ही लीडरशिप में मिल रहा है। तो भाई पॉलिटिक्स में आते जाते रहते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं, वो रहे चाहे ना रहे। तो लोगों का कहना है कि पॉलिटिक्स है, आती जाती रहती है, लोग करेंगे, लेकिन और लोगों से भी जानते हैं कि इसका क्या असर होता है। चंद्रयान 3 जो है उसने सफल लैंडिंग कर ली है मून पर, साउथ पोल पर, किसके किसको श्रेय देंगे इसका? हम इसरो को श्रेय देंगे, इसरो को देंगे, जनता जो है पीएम मोदी को श्रेय दे रही है हम, क्योंकि मेहनत में हम उनकी हम, उनने 10 साल उस पर मेहनत करी है तब इस मुकाम पे पहुँचे हैं हम। पीएम मोदी ने हम उसमें उनका हम सहयोग किया है, इसमें हम ज़्यादातर श्रेय तो हम इसरो के साइंटिस्ट को दिया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक है, तो क्या इस बार जो बीजेपी पार्टी है वो इस मुद्दे को भुनाई? मैम, इस मुद्दे को नहीं बनाएगी हम, इसमें ये तो हम हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम चंद्रयान 3 इस पर हम मुकाम में पहुँचे हैं, इस पर हम उसमें मुद्दा होने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मैम, क्या इस मुद्दे पर राजनीति करना सही है? नो मैम, इस मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है इस मुद्दे पर राजनीति करना। मैम, आपका क्या कहना है, इस मुद्दे पर राजनीति करना सही है? नहीं, मोदी जी का योगदान तो है ही है, जो दूसरा मतलब चंद्रयान जो असफल हुआ था उसमें वैज्ञानिकों का मनोबल मोदी जी ने बढ़ाया, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आदमी कोई काम करता है अगर असफल हो गया और 4 लोग उसको उत्साहित करते हैं तो उसका मनोबल बढ़ता है, वही चीज़ है, अगर मनोबल ना बढ़ाते तो ये सफलता ना मिलती। कांग्रेस कह रही है कि ये मोदी के कारण नहीं हुआ है, 70 साल पहले नेहरू ने इसकी शुरुआत करी थी, तो वो कांग्रेस का की जीत है ये? कांग्रेस की जीत कोई भी पार्टी होगी कुछ ना कुछ तो करेगी, लेकिन ये 9 साल में इन्होंने मतलब इतना अच्छा काम किया है, चंद्रयान का सफल परीक्षण हुआ है, ये मोदी जी और वैज्ञानिकों का दोनों की मेहनत का ही फल है। जनता कह रही है कि श्रेय जो है वो पीएम मोदी को भी जाता है, सबसे ज़्यादा वैज्ञानिकों को जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों की सफल मेहनत की वजह से जो है लोग वहाँ तक पहुँच पाए हैं, हम भारत जो है अपना पहला नाम कर पाया है वहाँ पर। और अगर बात करी जाए तो हमारे साथ मैम मौजूद है, मैम चंद्रयान सफल लैंडिंग कर गया है मून पर, आप क्या कहेंगे, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका तो नरेंद्र मोदी का ही जाएगा, वैज्ञानिकों को नहीं देंगे? नहीं, क्यों नहीं, वैज्ञानिक सबसे पहले हैं वैज्ञानिक। बात की जाए तो 2019 में भी चंद्रयान 2 भेजा गया था लेकिन किसी कारणवश वो क्रैश हो गया, नहीं हो पाया, तो काफी दुख हुआ था देश को, लेकिन इस बार जो इतिहास रच दिया है भारत ने उसको लेकर क्या देंगे? बहुत अच्छा रहा, सफल बहुत अच्छा रहा। क्या वो इसके बेसिस पे वोट देंगे 2024? अरे वोट तो अलग की बात है, राजनीति करी जा रही है इस मुद्दे पर, आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, अब इसमें राजनीति अब करने वाला करने दीजिए, राजनीति इसमें नहीं कहा जाएगा, इसमें वैज्ञानिकों का सारा देना है। की सफल लैंडिंग का श्रेय आप? चंद्रयान की सफल लैंडिंग का श्रेय जवाहरलाल नेहरू जी को देंगे और उन साइंटिस्टों को देंगे जो आज हमारे यहाँ बगैर वेतन पाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो उनको 17 महीने के वेतन नहीं दिए लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी ईमानदारी से पूरे तन मन धर से अर्पण होके उन्होंने ये चीज़ को सक्सेस करके दिखाया। और जनता तो कह रही है पीएम मोदी को श्रेय जा रहे हैं। पीएम मोदी को क्या, मैं भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता थे, हम लोग कार्य किए हैं, हम लोग जब श्रेय नहीं पा रहे हैं, सारा श्रेय मोदी पा रहे हैं, अमित शाह पा रहे हैं, राजनाथ सिंह पा रहे हैं, उनके बच्चे पा रहे हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, लाठी डंडा खाएँ, आए आंसू गैस खाएँ, यहाँ पर झेलें हैं, फुहारे पानी की खाएँ हैं, यहाँ पर कुत्ते के तरीके दौड़ा दौड़ा के मारे गए तब जाए कहीं सरकार बनी है, ये
प्रधानमंत्री जाके पाकिस्तान में बधाई देते हैं तो कोई बात नहीं होती है, और सिद्धू चला गया वहाँ पाकिस्तान में बधाई देने, तो यहाँ अमित शाह जी ने कार्यक्रम रखा दिया कि जो है पुतला फेंको सिद्धू का, उसमें लाठीचार्ज करवा दिया, युवाओं को पिटवाना और स्टूडेंट को मरवाना, पब्लिक को दलित्र बनाना, ये मतलब ऐसी गंदी सरकार भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हम लोग उसको त्याग पत्र देते हैं। आप किसको श्रेय दे रहे हैं? हम कांग्रेस को श्रेय दे रहे हैं, राहुल गांधी युवा। किसने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? अरे आज गेहूं भी खा रहे हैं तो कांग्रेस की देन, मिट्टी पे खड़े हैं तो कांग्रेस की देन, हर विपत्ति से बचाया अगर हमको तो कांग्रेस की देन है। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है वो तो कह रही है कि चंद्रयान पे राकेश रोशन गए, अब बताइए जरा लोगों को पता ही नहीं है नेताओं को कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए अब ममता जी क्या कह रही है, हम वहाँ के नहीं, हम यहाँ यूपी में खड़े हैं। नेताओं को जब चीजें नहीं पता है तो जनता कैसे अवेयर होगी? अब नेता अपनी अपनी बोलते हैं सब, और बोलने का अधिकार तो सबको है। 2024 में क्या? 2024 में पीएम हमारे जो है राहुल गांधी पर ने, आप समझ लीजिए। आप बताइए, आप चंद्रयान का श्रेय किसको देना चाहेंगे? चंद्रयान का श्रेय जो नरेंद्र मोदी को मिलेगा, देश की आज़ादी से बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्री बने थे, बाकी जिसके कार्यकाल में हुआ उसी को स्नेह जाना चाहिए। और नंबर एक, नंबर दो, आदमी तो ये तो राजनीति है, अपनी अपना जो है लड़का कोई नहीं काना बताते हैं। आप ये आंकड़ा लगा लीजिए, 2014, 2017, 2019, 2022 गठबंधन में सब ठगबंधन ही होते गया। दूसरी चीज़ रह गई है, चंद्रयान पर राजनीति होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, चंद्रयान पर राजनीतिक होने का कोई मतलब है नहीं। 2024 में ये मुद्दा भुनाया जाएगा कि नहीं भुनाया जाएगा? अरे जो अब बहन जी अच्छा काम करेगा वो तो अपनी लाइफ बढ़ाता है, नरेंद्र मोदी इस बधाई के पात्र हैं और उनके ये 24 में बिल्कुल उनको भुनाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि 24 में जरूर भुनाना चाहिए क्योंकि पीएम मोदी के कार्यकाल में ये हुआ है। ये जमीनी स्तर में खड़े होकर दिन भर यहाँ भीख मांग के खाते हैं और नरेंद्र मोदी का प्रचार करते हैं। इनकी उम्र देखिए, यहाँ पे इनके पास कोई रोजगार नहीं, कोई नेता से 10 रुपये मांग दे तो चाय पीने को होता है, ये उनकी तारीफ कर रहे हैं, इनको पता नहीं कौन सी बूटी मिलती है। आपको काम नहीं मिल रहा है उसके बाद आप पीएम मोदी की तारीफ और बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं? बहन जी ऐसा है, बुरा कहने से तो लोगों ने ईश्वर को नहीं छोड़ा है, ये जवान है, इसमें कोई टिक्स पढ़ना नहीं है। पंडित जी हमारे बड़े भाई हैं, महंत हैं, वो जो कह देंगे उनकी बात का हम सम्मान करते हैं, हम इससे दुखी नहीं होते हैं, इससे हम खुशी होते हैं। सर आप क्या कहेंगे, आप किसको देंगे चंद्रयान तीन का श्रेय, किसको देना चाहेंगे? मोदी जी को है उसके तो राजनीति करनी चाहिए इस मुद्दे पर। नहीं, भारत पहला ऐसा देश बना है जो साउथ पोल पर पहुंचा है। जी जी हाँ, बिल्कुल पहला देश है और मोदी जी ही इसके वो हैं, है ना। बाकी अब राजनीति जो कर रहा है उसका कैसा क्या हिसाब किताब है वो जाने, और प्रधानमंत्री भी हमारे मोदी जी ही बनेंगे, इनके अलावा कुछ है ही नहीं, कोई आएगा ही नहीं, बस प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी। अगर बात करी जाए कि जो यहाँ के राजनेता हैं उनको इस बारे में पता ही नहीं कि चंद्रयान है क्या, नीतीश कुमार कह रहे हैं चंद्रयान क्या है, इनको क्या मालूम। ओपी राजभर कह रहे हैं कि पृथ्वी पर लैंडिंग हुई, अब बताइए। अब ओपी राजभर उनका अपना मत है, हम लोग क्या बोले, किसको मालूम है? राजनेताओं को तो मालूम ही नहीं है कि चंद्रयान क्या है। मोदी जी को मालूम है, मोदी जी को मालूम है, लेकिन एनडीए गठबंधन हो रहा है और उधर इंडिया गठबंधन हो रहा है, 2024 में क्या करेगी जनता? मोदी जी को देगी, सिर्फ मोदी जी। आप क्या लगता है इस मुद्दे पर सियासत होनी चाहिए? पूरा विश्व सराहना कर रहा है इस समय भारत की, नंबर एक आज की डेट में, और अभी कल परसों के उसमें भी जो है तारीफ ही की है, मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, मैं भी दिखा देता हूँ आपको। चीन नाराज नजर आ रहा है, लेकिन है चीन नाराज नजर आ रहा है। चीन तो शुरू से ही नाराज रहता है, आज कोई नया थोड़ा है। हमारे यहाँ कुछ अच्छा होगा तो उसको नाराजगी होगी। रूस की अगर बात करें तो रूस ने लूना 25 भेजा था लेकिन क्रैश हो गया उसके बाद। रूस हम लोग का दोस्त है, रूस ने तारीफ की है। कंपटीशन बहुत टक्कर दे रहा था, कंपटीशन दे रहा था लूना 25 भेज के कि सबसे पहले हम पहुंच जाएं साउथ पोल। अरे उनके जिसके पास काबिलियत रहेगा वही पहुंचेगा। तो देखा आपने, सुना कि लोगों की मिक्स प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आई हैं, लेकिन अगर बात करी जाए भारत ने तो चांद जीत लिया है, लेकिन भारत में अभी भी जो है राजनीति बराबर चल रही है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और इसकी जनता जो है वो वैज्ञानिक और पीएम दोनों को ही इसका श्रेय दे रही है, लेकिन कुछ का कहना है कि कांग्रेस भी इसमें योगदान है। वहीं अगर बात करी जाए जिस तरीके से राजनेताओं के बयान सामने आए हैं, उल जुलूल बयान सामने आए, उस पर जनता बिल्कुल चुप्पी साधे नजर आई। कैमरा पर्सन नंदन के साथ मैं रागिनी सिंह, आज की खबर लखनऊ।